अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक तरफ तो कतर में अंग्रेजों को हिजाब पहनाकर हिजाब की खूबसूरती, पर्दे की ब्यूटी और शर्म हया से रूबरू करवाया जा रहा है, और वो अंग्रेज औरतें हिजाब पहनकर हया को, पाकदामनी को समझने की कोशिश कर रही है, मस्जिद में जाकर नमाज और इबादत के तौर तरीके देख रही है, इस्लामिक एग्जीबिशन में दीने इस्लाम को करीब से समझने की और उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रही है और मुतासिर भी हो रही है। इन्हें देखकर एक इनकलाब आने वाला है ऐसा लग रहा है, और अल्लाह की जात से हम बहुत पुरउम्मीद है, कोई बईद नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हम खानदानी मुसलमान हैं, जो पैदाइशी मुसलमान हैं, जिन्हें मुफ्त में इस्लाम नसीब हुआ है, उनमें से कुछ लोग, कुछ औरतें, कुछ लड़कियां इस्लाम का मजाक भी बना रही है और दीन के साथ ठट्ठा भी कर रही है। बुर्का, हिजाब, नकाब जो शर्म हया की निशानी है, उसी से बेहूदगी और बेपर्दगी कर रही है। आप देख सकते हैं, बुर्का तो वो पहन रही है लेकिन इतना तंग कि जिस्म की ज्यादा से ज्यादा नुमाइश हो। वही बुर्का पहनकर वो डांस भी कर रही है, अंग प्रदर्शन भी कर रही है, फैशन के नाम पर बेहयाई, बेशर्मी, उरूज यानी ऊंचाई पर है। ये औरतें, इस जैसी लड़कियां, ये दुनिया को पैगाम दे रही है कि हम बुर्के में रहकर भी बेशर्मी, बेहयाई कर सकते हैं। जब इनको या इन जैसों को कुछ समझाने की कोशिश की जाती है या रोकने टोकने की कोशिश की जाती है, तो वो इसे फैशन का नाम देते हैं, तरक्की का नाम देते हैं, मॉडर्निज्म का नाम देते हैं, जिद्दत का नाम देते हैं। अरे, अगर नंगा रहना ही मॉडर्निज्म है, तरक्की है और फैशन है, तो फिर जानवरों से ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न कोई भी नहीं है, है या नहीं है? बुराइयों का लेवल तो यहां तक पहुंच गया है कि अब समझाने वाले भी इस तरह से समझाते हैं कि तुमको जो करना है करो, लेकिन कम से कम बुर्का निकाल के करो। मतलब करो लेकिन बुर्का निकाल दो। मतलब फिक्र सिर्फ बुर्के की है, उस इंसान की नहीं। जैसे हिसाब किताब सिर्फ बुर्के को देना है, जैसे सवाल और जवाब सिर्फ बुर्के से होने वाले हैं, बुर्के वाली से नहीं। यही तुझको धुन है कि रहू मैं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यू ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कतर से एक अंग्रेज फैमिली का वीडियो सामने आया जो दीन इस्लाम से मुतासिर हुई, हिजाब पहना, पर्दा किया और बड़ी खुश नजर आ रही है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। What's your feeling after accepting Islam? Thank you. It's hard, you know, because you're recording, but it was definitely a very touching experience. Yeah, it's really very nice. Very nice. Everybody very welcoming. Did anyone force you or you choose it? No. Yeah, I choose. Did anyone force you or you choose it? You chose it? Did anyone force you or you like it? You choose it? You choose to be a Muslim? What about you? You choose it? Yes. Okay. Brother. Thank you for that. Yes. How are you, brother? We are very happy for you. Oh, thank you so much. Let us take a picture, all of us. Take a picture, yeah. इन लोगों को देखकर खुशी भी हुई और जरा डर भी लगा। डर क्यों लगा? एक कुरान पाक की आयत सामने आई कि وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ। अगर तुम लोग दीन से मुंह मोड़ोगे, दीन इस्लाम से फिर जाओगे, उस पर अमल नहीं करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे नहीं होंगे, आधे अधूरे। जब वो इस्लाम को फॉलो करेंगे तो पूरी तरह से करेंगे, तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी और हमारी तरह,
कि कुछ छोड़ा कुछ पकड़ा, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, वो ऐसे नहीं होंगे। तकमीली तलबीना, ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हाँ मेरे भाइयों, बहुत सोचने का मकाम है। अल्लामा इकबाल का ये शेर बेसाख्ता जबान पर आता है कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक बात आप याद रखो, अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता और हद से आगे निकलने वालों को भी पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो मुसलमान हो या कोई और, मगर सबको संभलने का मौका जरूर देता है। इसलिए मुसलमानों संभल जाओ, मोमिनों संभल जाओ, ईमान वालों संभल जाओ, दिलो जान से इस्लाम के ताबे हो जाओ, क्योंकि हमें रिप्लेस करने का काम अल्लाह ने शुरू कर दिया है। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है, हर घड़ी हर आन हर लम्हा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बात समझ में आई? आखिर में एक शेर में अपनी सारी बातों का निचोड़ लुबे लुबाब बयान कर रहा हूं, गौर से सुनिए। मेरे आशिया का तो गम नहीं कि वो जल रहा है जला करे, मेरे आशिया का तो गम नहीं वो जल रहा है जला करे, मगर इन हवाओं को रोकिए कि सवाल सारे चमन का है। बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको पता है कि हमारा इत्र का एक छोटा सा कारोबार है, छोटी सी तिजारत है, मिफ्ताही परफ्यूम्स। ये दो इत्र आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं और माशाल्लाह खूब लोग इसे पसंद कर रहे हैं, एक किस्वा और एक अलहरम। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीदें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप दोबारा मंगवाएंगे। स्क्रीन पर जो दो नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करें या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.miftahiperfumes.com। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जीएस हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक यूनानी अदवियात का काबिल एतमाद मरकज, अदवियात की तिजारत करने वाले हजरात एक मरतबा हमसे जरूर राब्ता करें। तिजारत करने वालों की हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं। उलमा इकराम, हुफाज इकराम, नीज डॉक्टर हजरत के लिए खुसूसी रियायत। हमारी अदवियात की तिजारत करके आप हर महीने काफ़ी रुपया कमा सकते हैं। अभी रब्ता करें 8055287383।